हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मॉर्निंग टाइम है और हमारा नाश्ता बन चुका है, बन ही रहा है। मम्मी यहाँ पर बाटी सेंक रही हैं। आज बाटी भरता की पार्टी हो रही है हमारी और मम्मी और हमारे पति देव के बीच में। हम लोग सारे लोग खाने के लिए छत पर जाएंगे, तो वही पार्टी है। यहाँ पर मैं धो रही थी दाल मूँग की, जो कि पापड़ों की दाल रहती ना, उसकी तैयारी कर रहे हैं। बहुत दिन से गृहस्थी में ध्यान नहीं दिए थे, तो हमने बोला चलो अब लग जाते हैं अपने काम पर। तो यहाँ पर मैंने दाल भिंगो कर रखी हुई थी एक दिन पहले, तो इसको मैं अच्छी तरीके से धो ले रही हूँ। बस ये धोना थोड़ा सा मुश्किल है, यानी पापड़ों की दाल बनाना बड़ी मुश्किल है। उड़द वाली तो मैंने धुली मंगवा ली थी, बट ये जो घर की दाल है, मूँग घर का है ये, तो मैंने दाल बनाई जो कि आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था। उसके बाद अब इसको धो रहे हैं, तो ये छिलके निकालना जो रहता है बड़ा मुश्किल रहता है, टाइम लग जाता है। करीब मुझे एक घंटे लग गया था। और ठंडा ठंडा पानी, क्योंकि तसले में पहले से ही पानी डला हुआ था, नल पर गर्म आ रहा था पर मैंने नहीं लेके आई, और यहीं पर ठंडे ठंडे पानी से धो रही हूँ। एक घंटे लग गया है। इसके बाद ये सूखने डालना होगा। सूखने के बाद करीब दो दिन तो लगेगा सूखने के लिए। अच्छी कड़ाके से तड़तड़ा कर अच्छी सूख जाएगी ना, जब जाके चक्की में पिसेगी। बट इसको पिसवाने से पहले हमको देखना पड़ेगा, जो सफ़ेद सफ़ेद दाल बिना छिलके वाली निकालना पड़ेगा, और जो छिलके वाली है उससे दूर करना होगा, तब जाके अच्छे सफ़ेद से पापड़ बनेंगे। तो ये देखो मैं धो रही हूँ और लगी हुई हूँ अपने काम पर, तो आप लोगों को दिखाते जा रही हूँ। यहाँ पर मम्मी हमारे सामने बैठी हुई हैं, वो बाटी सेक रही थी, क्योंकि हम लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं। वो नाश्ते की तैयारी कर रहे थे और हम यहाँ पर दाल धो रहे थे। भरता मैंने पहले ही बना कर रख दिया था। यहाँ पर मम्मी ने बाटी में देखो घी लगा दिया। कितनी प्यारी बाटी लग रही है सच में। किसका किसका मन कर रहा है खाने का भैया, बताओ। यहाँ पर सलाद कट रही है, गाजर, मूली, प्याज, धनिया, तो यहाँ पर सलाद कट रही है। अच्छे से धो ली थी पहले। हम जा रहे हैं खाने के लिए बाटी भरता। मॉर्निंग टाइम निकलने वाला आधे घंटे बाद, 11:30 हो रहे हैं। हम चटाई लेने आए थे नीचे, क्योंकि अभी दाल धोई है, बहुत ज़्यादा हाथ बिल्कुल ठंडे हैं, छत पर धूप है, वहीं पर जाकर खाएंगे। चटाई नहीं मिल रही, कहाँ गई चटाई? श्रेया के कपड़े सारे देखो ये डले हुए हैं, सारे कपड़े डले हुए हैं। इसको सारा कुछ जमाना है, गोदरेज जमानी है आज तो। चलो मिलते हैं थोड़ी देर से। और हम आ गए हैं छत पर, तो यहाँ पर लग गया है। तो ये मीठे वाले सेब हैं और सलाद रखी हुई है। एक पूड़ी रखी हुई थी जो कि श्रेया के टिफ़िन में रखी थी, क्योंकि बाटी तो टिफ़िन में रख नहीं सकते ना, क्योंकि उसको पसंद नहीं है इतनी। घर पर ही आना कानी करती है तो टिफ़िन में कैसे खाएगी, इसलिए उसके लिए पूड़ी बनाई थी मैंने। तो मैं अपनी प्लेट लगा रही हूँ यहाँ पर, बाटी ले रही हूँ दो। और उसके बाद पहले मैं सच बताऊँ, मेरे को बचपन में बाटी बिल्कुल पसंद नहीं थी। मैं ये बोलती थी सबसे कि ये कच्चा आटा क्यों खाते हो सब लोग। बट अब ससुराल में आई हूँ, जब सब लोगों को देखा तो होता है ना कि देखकर खाने की इच्छा होती है। जब मेरी खाने की इच्छा होने लगी तो अब मुझे अच्छा लगने लगा। और ये मैंने भरता बनाया हुआ था, मम्मी ने बाटी बनाई थी। दाल धोकर मैंने पहले ही डाल दिया, बस खा पी कर अब जाएंगे, थोड़ा सा आराम करेंगे, यानी बर्तन बर्तन धोकर, उसके बाद आप लोगों को शाम को मिलेंगे। तो यहाँ पर देखो मिर्च फ्राई, ये मेरी प्लेट लग चुकी है, आइए आप लोग भी खा लीजिए बाटी भरता। चलो भैया छत पर चलते हैं और दाल की कंडीशन देखते हैं कि दाल कैसी है। बहुत कम किया, 4 दिन से चूहा ढूंढ रहे थे, अब जाके चूहा मिला। चूहा ढूंढो अभियान ख़त्म हो चुका है और ढूंढ लिया शुक्ला जी ने। सारे जगह क्लीन किया, मुझे तो हिम्मत नहीं थी, अगर हिम्मत होती तो बायो ना लेती, क्योंकि बायो लेने वाले ही ये सब कर सकते हैं, हमने बायो लिया ही नहीं तो हमारी हिम्मत नहीं थी। तो दाल देखने आए थे, हमने बोला चलो दाल धोई है, हाथ भी नहीं फिरा, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा वीकनेस सी क्यों आ रही है कि मुझे इतनी जोरों की नींद आई, ऐसा लग रहा था मैं तो सो रही थी, ऐसा लग रहा था रात है सुबह उठना है, और इतनी नींद आ रही थी ना, उठने का मन नहीं कर रहा था। 1 बजे से नहीं, 1:30 बजे से सोई मैं,
डेढ़ बजे सोने के बाद 3:30 बजे उठी तो मैंने फिर जल्दी से उठ के, फिर लेट हो जाते ना कभी कभी, चाहे रात का टाइम हो चाहे सुबह का टाइम हो, तो जब मैं लेट उठती हूँ ना कोई भी चीज़ में तो मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होती, तो फटाफट काम करती हूँ मैं। तो मैंने सारा काम किया और अब मैं आई छत के ऊपर, मैंने चलो दाल की कंडीशन देख लेते हैं सूखी है नहीं सूखी है, क्योंकि 2 दिन तो उसको सूखने में लगेगा, अभी इतने अच्छे से नहीं सूखी है, क्योंकि ये दाल है पापड़ों वाली, यानी इस दाल के हम बनाएंगे पापड़, पर ये दाल धुल तो गई है, छिलके निकले हैं, अब इसको यानी बिना छानना पड़ेगा, तो इसको जो बिना छिलके वाली दाल बनाना पड़ेगा, इसको साफ़ करके और फिर हम पिसवा लेंगे, फिर हम बनाएंगे पापड़ जो कि साल भर स्टोर करके रखेंगे। और इसलिए एक बात और, पहले मैं आप लोगों को दाल दिखा देती हूँ, दाल की कंडीशन क्या है, फिर आप लोगों से बातें करती हूँ। तो ये देखो दाल हमारी सूख चुकी है, कल बस और धूप दिखाएंगे, तो 2 दिन की धूप लग जाएगी जब हमारी ये दाल अच्छी तड़ तड़ा के सूख जाएगी। और पापड़ खाना इतना आसान नहीं है, खा तो लेते हैं कर्र वर्र करके, उसके बाद जब इसकी मेहनत जो बनाता है ना उसको पता है कितनी मेहनत लगती है, सच में बहुत मेहनत लगती है पापड़ बनाने में, तो वाले पापड़ में तो बहुत ज़्यादा लगती है। चलो मुझे एक बात याद आई, उन्होंने चलो बता देते हैं, कमेंट आया था जो कि सिल्की सिल्की नाम है उनका चैनल का, उनका नाम है कि नहीं ये तो नहीं पता, उन्होंने लिखा था कि क्या आप मायके में भी साड़ी पहनते हो, तो साड़ी पहनना कोई बुरी बात नहीं है और मुझे साड़ी पहनना अच्छा लगता है, सूट पहनना भी अच्छा लगता है, हाँ मैंने कभी जींस नहीं पहना, ना ही मायके में पहना और ससुराल में, तो फिर छोड़ो ही छोड़ो, कभी यानी अपनी लाइफ में क्या लेके आए हो, नाश्ता, श्रेया नाश्ता लेके आ गई, चलो नाश्ते के दर्शन करवा देते पहले आपको। श्रेया ये लेके आई है, देखो भाई गुड़ की जो मूंगफली रहती ना उसकी चिक्की, और चिक्की बोलते हैं गुड़पट्टी गांव की भाषा में गुड़पट्टी बोलते हैं, मैंने यहाँ पर सुना है गुड़पट्टी बोलते हैं, और ये सेब है जो मैंने बनाए थे और ये नमकीन है, तो श्रेया नाश्ता करेगी, ये लेके आई है, ये आप खाओगे? नहीं मुझे नहीं खाना, तो मैं कहाँ थी यार, फिर भूल गई। हाँ तो मुझे साड़ी पहनना अच्छा लगता है इसलिए मैं पहनती हूँ, हालांकि मुझे सूट पहनना भी अच्छा लगता है, तो शादी से पहले कभी मैंने जींस पहना नहीं है, इसलिए क्योंकि हमारे पापा को पसंद नहीं था, तो जिस माहौल में बच्चे रहते हैं यानी जैसा शुरू से बच्चों को समझाया जाता है तो बच्चों के दिमाग में भर जाता है, तो हमें शुरू से ही जींस वींस पहनना पसंद नहीं है इसलिए हम पहनते नहीं हैं। और सूट तो मायके में सूट जब मन करता तब पहन लेती हूँ, जब मन नहीं करता है तो साड़ी पहन लेती हूँ, तो ऐसा लगता है, और साड़ी मुझे अच्छी लगती है इसलिए मैं पहनती हूँ, उसमें ज़्यादा मैं कंफर्टेबल लगता है, उसमें ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। और शादी के बाद औरतें जो रहती हैं वो साड़ी में ही सुंदर दिखती हैं, तो साड़ी मेरे मूड के ऊपर रहता है, ऐसा नहीं है कि मुझे किसी ने मना किया है कि मायके में भी साड़ी पहनूँ सूट नहीं पहन सकती हो, मुझे ना ही ससुराल में किसी ने मना किया है सूट पहनने से, ना ही मायके में पहनने से मना किया, ससुराल में भी मेरे पास सूट रखे हुए हैं बट मैं पहनती नहीं हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी का मेरे सूट पहनने से किसी का दिल दुखे। ये है गांव, और गांव है तो मम्मी पापा जी हैं जो हमारे सास ससुर हैं, तो बहू ढकी हुई अच्छी लगती है, यानी बहू बोलते ना बहू जो रहता है, तो बहू हो तो बहू जैसे रहो वो सही रखता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर साड़ी पहनती हूँ और सूट पहन लूँगी, तो कुछ नहीं है, बस मुझे ही थोड़ा ख़राब लगेगा इसलिए मैं सूट पहनती नहीं हूँ। और रही बात मायके की, तो यहाँ पर साड़ी पहनते पहनते तो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल मुझे साड़ी में ही लगता है इसलिए मैं साड़ी पहनती हूँ, वहाँ पर मैं सूट भी पहनती हूँ बट मैं बहुत कम पहनती हूँ सूट, और ज़्यादातर मैं वहाँ पर गाउन में रहती हूँ, क्योंकि मेरा घर से निकलना होता नहीं है, ना ही मैं इधर ज़्यादा इधर उधर जाना आना होता है और ना ही मेरा वहाँ जाना आना होता है,
क्योंकि ज़्यादातर बोलते हैं ना, कई लोग बार बार शॉपिंग जा रहे हैं, बार बार यानी घर से बाहर ज़्यादा मेरा निकलना होता नहीं है। मुझे ज़्यादातर घर में ही रहना अच्छा लगता है, इसलिए मेरे जो वीडियो हैं हमेशा घर के ही आते हैं। आप लोगों को बहुत कम मिलेंगे इधर उधर जाने के, तो जब जाती हूँ तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और क्या, बस यही बात बताने वाली थी। वैसे कमेंट्स बहुत बढ़िया बढ़िया आ रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है कमेंट्स पढ़कर। एक दिन और मैं वीडियो बनाती हूँ किसने किसने कमेंट्स किया है। बहुत अच्छा लगा मुझे कमेंट्स पढ़कर, प्यारे प्यारे कमेंट्स रहते हैं, दिल को छू जाते हैं। अगर मन सैड भी हो ना तो प्रफुल्लित हो जाता है, खुश हो जाते हैं वो कमेंट्स रीड करके। छत पर भ्रमण कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है छत पर भ्रमण करके। कभी कभी छत पर भ्रमण कर लेना चाहिए। चिक्की 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 श्रेया भी बैठी हुई है हमारी, देखोगे आप लोग। नाश्ता हो रहा है श्रेया का। क्या खा रही हो? वही नाश्ता। श्रेया का नाश्ता हो रहा है और हम लोग छत में भ्रमण कर रहे हैं। बहुत सारी बातें करना है पर डे बाय डे करूँगी बहुत सारी। और मेरे जो रिलेशन में हैं, जो भी मेरी वीडियो देखते हैं, उनके बारे में भी कुछ कुछ कहना है मुझे, तो मैं करूँगी बातें। थोड़ा टाइम आने दो और इस ब्लॉग की एंडिंग मैं यहीं पर करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।